सरकार के इस फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का हमला। नेम प्लेट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया। अब इन्होंने कहा, मुसलमानों के हक को छीन रही है योगी सरकार। तो लगातार सियासत इस पर चल रही है और तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच महबूबा मुफ्ती का ये बड़ा बयान, यूपी सरकार पर हमला बोलती हुई वो नजर आई और कह रही है नेम प्लेट के इस फैसले पर उन्होंने अपना बयान भी दिया है। साफ तौर पर कह रही है कि मुस्लिमों के हक को खत्म किया जा रहा है। यूपी सरकार का ये जो फैसला है इसको तानाशाह करार दिया गया। नेम प्लेट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुसलमानों का जो हक है उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी योगी सरकार। तो इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर आखिर पीएम मोदी चुप क्यों है। आप देखिए महबूबा मुफ्ती ने और क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं, पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निज़ाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने का किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और देखिए ये यूपी सरकार का फैसला है, प्रशासन का भी फैसला है, लेकिन अब इस फैसले के बाद व्यापारी वर्ग में क्या प्रतिक्रिया है, दुकानदारों का क्या कहना है, वो भी आप जानिए। कांवड़ मार्ग पर खाने की दुकानों के बाहर रेट लिस्ट और नाम पट्टी का चिपकाने के शासन के निर्देश के बाद गाजियाबाद में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। सर बोल के गए कि ये कांवरिया की वजह से है। कौन सर? नाम नहीं पढ़े सर, बेंच वगैरह में पुलिस जी अधिकारी ने लोग बोल के गए। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो सोनू है, बच्चे का नाम है मानू। अच्छा, तो ये कागज़ क्यों चिपकाया है? कागज ये खावड़ की वजह से नोटिस आया है गवर्नमेंट का कि ऐसा करके रखो, बोले थे पूरी फ्लैक्सी बदलो। अच्छा, कौन कौन बोल के गए आपसे? पुलिस वाले बोल गए थे। ग्राहक उनके पास खाना खाने या सामान खरीदने के लिए आएगा, उसको रेट का पहले से अंदाजा होगा और दूसरा ये पता होगा कि वो सामान किससे खरीद रहा है। Z News.